200 करोड़ की सीवरेज लाइन का मामला पहुंचा लोकायुक्त कार्यालय। कांग्रेसी पार्षद शिकायत लेकर पहुंचे नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के साथ। नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज एवं सेप्टेज के कार्यों में अनियमितता को लेकर पहुंचे लोकायुक्त कार्यालय। हम आपको बता दें, 214 करोड़ के इस कार्य में एक भी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। मेसर्स के स्पन कंपनी पर आरोप है कि नगर निगम का तकनीकी अमला बगैर किसी जांच के मेसर्स के स्पन को लगातार लाभ पहुंचा रहा है। कागजों पर कार्य की हकीकत व जमीन पर कार्य की हकीकत में काफ़ी अंतर है। कांग्रेसी पार्षदों द्वारा जो रिपोर्ट तैयार कराई गई है वह लगभग 250 पेज की, जिसे देखकर पढ़कर लगता है यह किसी एक्सपर्ट का काम है। इसमें दिए तथ्यों में टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल बता रहा है यह रिपोर्ट। निकट भविष्य में सत्ता पक्ष व मेसर्स के स्पन पर भारी पड़ सकती है। लोकायुक्त में शिकायत किया था हम लोगों ने के स्पन की, जो यहाँ पर सीवरेज सिस्टम का 200 करोड़ का काम कर रहा है, 15/11/2017 की रीवा में जो के स्पन प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया है उसमें अनियमितताएं थी। उस संदर्भ में हम लोगों ने लोकायुक्त महोदय को शिकायत किया था, उसका भोपाल से शपथ पत्र देने के लिए भी आया था, तो 6/2/2018 को हमने शपथ पत्र भी दिया था। अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण नगर निगम निरंकुश हो गया है और साथ में संविदा कार्य भी निरंकुश हो गया है। जो कार्य किया जा रहा है वो मानक के अनुरूप नहीं है, बहुत अत्यंत घटिया कार्य किया जा रहा है। वर्षा ऋतु में वो कार्य कर रहे हैं, जो सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं ऊपर से रोड को लेवल करने के लिए, उसमें डस्ट को मिलाया जा रहा है बालू की जगह। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो उनको छठवां रनिंग बिल, जिसे हम देयक बोलते हैं, वो दिया गया, उसमें घोर अनियमितताएँ हुई हैं। 64,67,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान नगर निगम ने उनको किया है। अतिरिक्त भुगतान नहीं, फर्जी भुगतान। इसमें लिखा हुआ है बिल में कि WPM ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 किया गया है, जबकि नगर निगम के तकनीकी शाखा को भी, रीवा की जनता को भी, हमारे सम्मानित पार्षदों को भी, सभी लोगों को मालूम है कि WPM का कार्य हुआ ही नहीं है, सिर्फ CRM का कार्य ही हुआ है, और जहाँ हुआ है कंक्रीट का कार्य हुआ है। इसमें इन्होंने ये उल्लेख किया है कि ग्रेड मतलब M10 का भी कार्य किया गया है, जो कि नहीं किया गया है। M30 का जो कार्य किया है वो 20 सेंटीमीटर किया गया है। हमने अपने निजी लोगों से जब इन सब चीज़ों का भौतिक परीक्षण कराया, ये 150 पन्ने से ऊपर का ये बिल है, जब इसका भौतिक परीक्षण कराया तो इस बिल के इस प्रारूप में ये आया कि जो भुगतान किया गया है वो फर्जी भुगतान किया गया है। WPM नहीं किया गया, उसका भुगतान कर दिया गया है। M30 20 सेंटीमीटर नहीं किया गया, उसका भुगतान कर दिया गया। M10 नहीं किया गया, उसका भुगतान कर दिया गया। तो ऐसा भ्रष्टाचार लगातार नगर निगम द्वारा के स्पन के साथ मिलकर किया जा रहा है।